ये साल ही ऐसा है रहा है, 2020 बहुत ही मैं कहूंगा मनहूस मनहूस साल रहा है कंगना का और शिवसेना का। अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा, देखेंगे लोग कैसे मेरे मजाक उड़ाएंगे। वही मोदी जी बहुत वाइज आदमी है, उनकी बात सुननी चाहिए। कोई ऐसा सीक्रेट चैनल तो है नहीं बॉलीवुड वालों का। ये जो मैं निकला भी हूँ इस वक्त, रोजी रोटी कमाने की मजबूरी में निकला हूँ। लाइफ में मैंने भी देखा है टाइम जब बिल्कुल काम नहीं था। सभी को देखनी जरूरी इसलिए क्योंकि ये घर घर की कहानी है। आजकल सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह वॉर चल रहा है, और एक वॉर लेकर हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं जो आने वाले हैं। वो वॉर आपके मनोरंजन के लिए होगा। हमारे साथ एबीपी न्यूज से जुड़ चुके हैं रणवीर शौरी। वेलकम टू एबीपी न्यूज। आप खुद ही बताइए कि ये कौन सा वॉर है जो आप लेकर लोगों के बीच आने वाले हैं। हाय रेखा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। रेखा, ये वही वॉर है जो हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है। और उसी पर बेस्ड है हमारी सीरीज परिवार, और जो मिडिल क्लास फैमिली वैल्यूज और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हीं पर एक कॉमेडी है। और एक बहुत बढ़िया कास्ट है जो साथ एक साथ आई है, गजराज राव जी से लेकर यशपाल शर्मा, सादिया सिद्दीकी, अनुरिता झा, विजय राज, अभिषेक बैनर्जी, और भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जो निर्देशक हैं वो हैं मेरे पुराने दोस्त हैं, और निर्देशक मेरे पहली एक फिल्म के भी निर्देशक रह चुके हैं जिन्होंने भेजा फ्राई बनाई थी, सागर बेलारी। तो एक बहुत अच्छी टीम एक साथ आई है। देखते हैं लोगों को पसंद आता है कि नहीं। नहीं, मैंने ट्रेलर देखा और मैंने ये देखा कि इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज एक्टर्स हैं उन सबको एक जगह लाके रख दिया है। जी काफी बिल्कुल, मजा आया ट्रेलर देख के। मैंने भी आपसे अभी वही कहा कि बहुत एक अच्छी टीम जुड़ी है एक साथ, और जो हमारा जो सब्जेक्ट भी है वो भी ऐसा है कि हर कोई रिलेट कर पाएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि मिडिल क्लास फैमिली की जो वैल्यूज होती हैं और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हीं पर आधारित है। अच्छा, आप देश से बाहर है रणवीर, मैं ये पूछने वाली थी सबसे पहले कि वहां का मिजाज कैसा है, क्योंकि अपने देश में तो मिजाज हर जगह बहुत गर्म है, आप देख ही रहे होंगे। नहीं, गरम मिजाज दुनिया में हर जगह ही है फिलहाल। ये साल ही ऐसा है रहा है, 2020 बहुत ही मैं कहूंगा मनहूस मनहूस साल रहा है। तो यहाँ पर जहाँ मैं हूँ अमेरिका में, वहां पे भी काफी कुछ पॉलिटिकली भी चल रहा है और सोशली भी चल रहा है। कोरोना तो चल ही रहा है, तो आई थिंक कुछ कहते हैं ना, समय समय की बात है। आई थिंक इस वक्त टाइम ही ऐसा चल रहा है, टाइम ही खराब चल रहा है सबका। अच्छा, मैं ट्रेलर में देख रही थी कि एक डायलॉग है उसमें कि उखाड़ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है, तो मैंने रिलेट कर लिया। अभी रिसेंटली किसी ने बोला था कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और अगले दिन अखबार में छपा के उखाड़ लिया। ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक्चुअली मुझे अंदाजा नहीं है आप किसकी बात कर रही हैं। अच्छा, आई थिंक हाँ, वो जो कंगना आप का कहते तो और मैं, कंगना का हाँ और शिवसेना का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कंगना रनौत ने कहा था कि आप जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए, तो फिर अगले दिन हेडलाइन सामना में छपी कि उखाड़ लिया, उनका दफ्तर जो गिराया जा चुका था। तो मैंने ट्रेलर देखा आपको, तो वो था कि फ्लैशबैक आ गया मेरे दिमाग में कि अभी अभी तो हमने ये सारा देखा था, तो ये इत्तेफाक तो नहीं है। नहीं, ये इत्तेफाकी है क्योंकि हमने तो पिछले साल शूट की थी ये सीरीज, तो ये कोई उसको लेकर के हमने कोई टिप्पणी नहीं की है। ये इत्तेफाक से वो लाइन वहां थी। हाँ, जो लोग अभी तो जो लोग देखने वाले हैं उनके दिमाग में वो क्लिक करने वाला है। अच्छा, इसकी कहानी इलाहाबाद की है, तो आप लोगों ने शूटिंग वगैरह कहाँ पर की है? शूट हमने लखनऊ में की थी। अच्छा, पूरी पूरी सीरीज आपने वहां शूट की है? इलाहाबाद में भी शायद थोड़ी बहुत शूटिंग हुई थी, बट जो घर मेन घर था वो लखनऊ में था। तो कितना टाइम लगा था आप लोगों को? अपने रोल के बारे में आप कुछ बताइए कि हम क्या इसमें अलग और खास देखने वाले हैं। देखिए, मेरा जो रोल है वो शिशुपाल, मैं जो छोटा भाई है, मंजला मंजला है जो उसका रोल करता हूँ। तीन भाई बहन हैं, सबसे बड़े भाई हैं महीपाल जो बने हैं यशपाल शर्मा, मैं मंजला हूँ शिशुपाल, और एक छोटी बहन है। और जो
मंजला जो छोटा भाई है उसका जो बड़े भाई के साथ में वो जो हर हर जो हर जो जोड़ी होती है बड़े छोटे भाइयों की, और जो रिलेशनशिप होता है उसमें प्यार मोहब्बत भी होती है लेकिन बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं बड़े भाई के साथ, इनसिक्योरिटी भी होती है और एक कंपटीशन भी होता है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं कहानी में। और देखिए, ट्रेलर सुशील देखकर तो लगा है कि बहुत मजा आने वाला है लोगों को। जी बिल्कुल एक मतलब लाइट हार्टेड फन और फनी ड्रामा ड्रामा एंड कॉमेडी है फैमिली फैमिली वैल्यूज को लेकर। आप फिल्म मेकिंग का शौक है आपका क्या? आपने कुछ, आप गाने भी लिखते हैं, आपने क्या गाने लिखे, स्क्रिप्ट लिखी या क्या किया, फैमिली के साथ वक्त बिताया? एक दो गाने लिखे मैंने, एक दो गाने लिखे, वो जब मौका लगेगा तो मैं वो थोड़े डालूंगा अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा, देखेंगे लोग कैसे मेरे मजाक हाँ उड़ाएंगे। और खाना काफी बनाया, मेरी कुकिंग काफी इम्प्रूव हो गई। अपने बेटे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने को मिला, जो कि अब मुझे उसकी उसकी खुशी होती है कि एटलीस्ट अब मैं बाहर दूर हूँ उससे, मैं काम के सिलसिले में, लेकिन एटलीस्ट अच्छे हमने 3-4 महीने तो साथ में अच्छे अच्छे टाइम बिताया। थोड़ी फिल्में और सीरीज मैंने देखी, थोड़ी थोड़ी किताबें पढ़ी, बस यही ऐसे ही। और एक्सरसाइज एक्सरसाइज पे भी ध्यान दिया मैंने, काफी ध्यान दिया योगा पे और मेडिटेशन पे। तो यानी यही चीजें लॉकडाउन हैं। का मतलब नुकसान थे, उसके तो फायदे भी बहुत सारे हुए, क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड कर लिया। हाँ, बिल्कुल यही। देखिए ये बहुत जरूरी है जिंदगी में कि जब बुरा वक्त चलता है तो उसको एडवांटेज में कैसे बदलना, उसका उसका आपदा को फायदा अवसर उसका। में हाँ बदलना। हाँ बिल्कुल हाँ। मेरी नहीं हिंदी थोड़ी कमजोर है लेकिन आपने बहुत सही कहा। नहीं टैगलाइन है ना हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो वो मतलब हम लोग को हाँ याद हाँ हो हाँ सॉरी सॉरी हाँ हाँ गया ओके हाँ बिल्कुल भाई, मोदी जी बहुत वाइज आदमी है, उनकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब लोगों की जुबान पर है, तो मुझे भी लगा आपने आपदा को जो है वो अवसर में बदला अपने बिल्कुल लिए। बिल्कुल 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 सीरीज कौन कौन सी देखी आप, कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी सीरीज? मतलब लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है ना ये जानने ज्यादा। में कि आप बॉलीवुड एक्टर हैं तो आप कुछ अलग देखते होंगे या वही देखते हैं जो आम लोग देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों मैं ऐसी ऐसी क्या चीज हो सकती है जो मैं देख सकता हूँ और लोग नहीं देख सकते? कोई ऐसा सीक्रेट चैनल तो है नहीं बॉलीवुड वालों का कि आप सेलिब्रिटी हैं तो आपका सीक्रेट चैनल है जहाँ जो आम लोग नहीं देख सकते, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो बिल्कुल मैंने पाताल लोक देखी, पाताल लोक तो सीरीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और अंग्रेजी का जो सक्सेशन देखा मैंने, और एक दो जो फिल्में मेरी छूटी थी वो देखी। अब मुझे थोड़ा याद नहीं क्योंकि मैं टाइम हो गया और मैं काम में बिजी हो गया हूँ। नहीं, ओटीटी पर आपकी सीरीज आ रही है इसलिए मैंने सोचा पूछते हैं कि आपने क्या क्या ओटीटी पर एक्सप्लोर हाँ किया। जो इंडियन लास्ट लास्ट ओटीटी सीरीज जो मैंने इंडियन देखी वो पाताल लोक थी और बहुत बढ़िया थी। लोगों ने काफी पसंद भी किया हाँ इसे। हाँ बहुत अच्छा थी। अच्छा, इन कोरोना में देखिए अच्छी चीजें तो हुई, हमने क्वालिटी टाइम बहुत सारे लोगों ने स्पेंड किया, जो काम बहुत सालों से नहीं कर पा रहे थे वो काम किया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, घर में बैठे हुए हैं, पैसे नहीं है। आपके साथ भी सबके साथ ये होता है कि एक टाइम आता है जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो आपके साथ क्या कोई ऐसा टाइम आया, आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया ऐसे वक्त में? देखिए रेखा, ये जो मैं निकला भी हूँ इस वक्त शूट के लिए, वो मैं इसी मजबूरी में निकला हूँ कि अब रोजी रोटी कमाने की मजबूरी में निकला हूँ कि 6 महीने मैंने घर बैठ के, क्योंकि मैंने तो मेरे जो एम्प्लॉयज वगैरह थे मैंने सबको फुल सैलरीज दी, किसी जो काम पे नहीं भी आए उनको भी। बट एक टाइम आता है जब आपको काम पे निकलना पड़ता है, बिकॉज अब मेरे हालात कुछ ऐसे नहीं है कि मैं रईस नहीं हूँ कि मैं काम पे नहीं जाऊँगा तो मैं घर बैठे बैठे खा सकता हूँ इनडेफिनेटली। तो ये मैं निकला जो हूँ ये भी मैं इसी मजबूरी में निकला हूँ कि अब काम पे निकलना जरूरी है, पैसे कमाना जरूरी है। तो ऐसे अप्स एंड लोज आते हैं लाइफ में, बट यू हैव टू मैनेज किसी तरीके से, क्या कहें। देख लाइफ में मैंने भी देखा है टाइम जब बिल्कुल काम नहीं था, पेंडेमिक के पहले भी। ये तो पेंडेमिक में तो चलो लोगों की जिंदगियां पूरी की पूरी बर्बाद हो गई कई लोगों की,
बट उसके अलावा भी लो मैंने अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं, और बुरा वक्त आता है उस वक्त जरूरी ये होता है कि आप टूटे ना, जरूरी ये होता है कि आप ये कहें कि वो कहते हैं ना वन डे एट अ टाइम, एक एक दिन करके आप उसको हर रोज हर रोज अपना बेस्ट करें, हर रोज अपना थक के सो जाएं, उठें फिर बेस्ट करें फिर थक के सो जाएं, ये करके बुरा वक्त निकल जाता है, और फिर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। बिल्कुल, ये हौसला हौसला रखना जरूरी है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और देखिए मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक बात कोई बताइए कि लोगों को ये आपकी सीरीज जो है ये कहाँ आ रही है, कब आ रही है और क्यों देखनी चाहिए? परिवार डिज्नी हॉटस्टार पर 23 सितंबर से आ रही है, और सभी को देखनी जरूरी इसलिए क्योंकि ये घर घर की कहानी है, और बहुत मजेदार और फन और फनी एक ड्रामेडी सीरीज है जो हर कोई एंजॉय करेगा। थैंक यू सो मच रणवीर, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने इतने खुलकर बात की, इसे जानकर और अच्छा लगा। एंड एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।